Hey cuties, kita sari welcome back to Blush with Nikki. Today I'm gonna review this. नहीं दिख रहा. This one. अभी दिख रहा होगा. So this is Popoxo multi-use sunscreen spray. इसका पूरा नाम है Popoxo Beach Bum. कोई सेंसेस बात? मतलब उन्होंने पता नहीं क्या सोच के नाम रखा है. ढंग का रख सकते थे, बीच ब्यूटी रख देते, बीच बम ही क्यों रखा, आई डोंट नो. विद एसपीएफ 50 पीए प्लस प्लस प्लस. ये पोपोक्सो की है, विच इज होम ब्रांड ऑफ माई ग्लैम. यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सक्लूसिवली बाय माई ग्लैम. तो ये कुछ स्प्रे बॉटल है, ऐसी है. इसका मैं पूरा रिव्यू देने वाली हूँ. इसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर रेजिस्टेंस एंड फेस बॉडी एंड हेयर. इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पूरा नहा लो सनस्क्रीन में. हाँ, ये कर लो पहले. मतलब कहीं भी यूज कर लो, नहा लो सनस्क्रीन से, बस इसका वही मतलब है. तो इसको मैंने यूज कर लिया है एक दो बार एंड इसका मैं फुल रिव्यू देने वाली हूँ. उससे पहले इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो पोपोक्सो का सिर्फ मेकअप कलेक्शन आता था पहले, क्यूट क्यूट सा. अभी उन्होंने ऐसी चीजें भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दी है. दिस इज वन ऑफ देयर न्यू लॉन्च. और ये सनस्क्रीन मैंने क्यों ली, क्योंकि एक तो ये 50 है, सनस्क्रीन 50 यूज करनी चाहिए हमें, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो काम की तो है ही. दूसरी चीज, ये स्प्रे है और स्प्रे वाली मुझे इतनी सही लगती है ना, मतलब एक ऐसे लगाओ और एक सीधा जस्ट स्प्रे करो, कितना इजी और कन्वीनियंट लगता है. तो स्प्रे में आती है ये सनस्क्रीन, तो मुझे काफी सही लगी. मुझे लगा मुझे तो ये ट्राई करनी ही है. एंड थर्ड वन, इसको हम हेयर पे भी यूज कर सकते हैं. आई मीन हेयर को भी यस सनस्क्रीन की जरूरत होती है, हमारे हेयर भी सन डैमेज की वजह से खराब हो जाते हैं, तो उसको सनस्क्रीन की जरूरत होती है. तो ये इसको हम हेयर पे भी यूज कर सकते हैं. एंड फोर्थ, इसको हम मेकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं. मतलब मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाना इज ओके, लेकिन मेकअप के बाद हम सनस्क्रीन नहीं लगाते, क्योंकि उसको ऐसे रब करो थोड़ा सा भी तो वो मेकअप खराब कर सकता है. सो दे से इट्स ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. एंड इसकी स्प्रे बॉटल इतनी है, इसकी आउटर पैकेजिंग आप देख ही सकते हो कि ऐसी है. और इसका जो प्राइस है वो है 349. एंड इसकी जो है क्वांटिटी है 50 ml. 50 ml फॉर 349, मतलब सच एन अफोर्डेबल सनस्क्रीन. आप देखोगे ना जाके, अच्छी सनस्क्रीन है ना 50 ml वाली, 50 g वाली, वो इतने की नहीं आती है. आई डोंट नो इन्होंने कैसे मैनेज करा. पोपोक्सो का वैसे सारा कलेक्शन ही अफोर्डेबल है, बट मुझे ये इनसे उम्मीद नहीं थी कि सनस्क्रीन लॉन्च करेंगे. आई मीन SPF रियली, वो अभी इतने कम प्राइस में 349 में. मैंने इससे पहले एक और SPF है इनकी, जो इल्यूमिनेटिंग SPF, उसका भी रिव्यू दे रखा है, आप जाके चेक कर लेना. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसका चेक कर लेना. देन ये इन्होंने ये भी, उसका भी सेम प्राइस था, इसका भी सेम प्राइस है. और 50 ml इन जस्ट 349, सच अफोर्डेबल SPF. एंड इसके काफी सारे मल्टी यूजेस हैं, इसलिए मैंने ली थी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है. नाउ मैं आपके सामने यूज करके दिखाती हूँ. मैंने मेकअप कर रखा है, यू कैन सी. तो इसको हम मेकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं. इस मामले में तो आई लव दिस, मतलब स्प्रे वाली सनस्क्रीन्स मेकअप के साथ भी यूज करो, आप कभी भी यूज करो, कहीं भी यूज करो. एंड इसको हम, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको हैंड पे दिखाऊं तो सी, वॉटरी सा फॉर्मूला है. एंड अभी आपको लग रहा होगा ये व्हाइट कास्ट, क्योंकि सनस्क्रीन ऐसी ही होती है, बहुत ही वॉटरी फॉर्मूला है. एंड वॉटर रेजिस्टेंस, एक्चुअली वॉटर रेजिस्टेंस है. मैंने कल इसको यूज करा था, एक स्लाइट सी शाइन भी मिल जाएगी आपको. मैंने कल इसको यूज करा था, मैं कल बाहर गई थी, मैं इसको सुबह लगा के बाहर गई. एंड मैंने 4-5 घंटे मैंने रीअप्लाई नहीं करा, और मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने रीअप्लीकेशन नहीं करी, मैं हूं भी धूप में. बट इट वर्क्स अमेजिंग, मतलब इसने टैन नहीं होने दिया मेरी स्किन को, एंड उतना ज्यादा नहीं होने दिया. आई थिंक इसको रीअप्लीकेशन की जरूरत होती है, वो सारी सनस्क्रीन को होती है, बट इसने टैन होने से बचा लिया. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वैसे फ्रेग्रेंस फ्री होती तो ज्यादा बेस्ट था, बट 349 में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इतना ज्यादा. इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी सूथिंग है, जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की नहीं आती, या हम फिर एक टॉफी खाते होते थे बचपन में, एल्पेनलीबे वाली टॉफी खाते थे ना, वैसे थोड़ी मीठी मीठी सी फ्रेग्रेंस है इसकी. खैर मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेग्रेंस इसकी ठीक है, ज्यादा तेज नहीं है, तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है. एंड ऑल्सो दिस इज मेड इन इंडिया. ऑनेस्टली सेइंग, मुझे ये काफी अच्छी लगी. यू कैन सी मेकअप पे भी यूज कर सकते हैं. आई कैन यूज ऑल्सो ऑन माई हेयर. बस इसको लगा के ना थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेना, ताकि ये हेयर में मतलब
पूरे से सेट हो जाए. ऑल्सो वर्क्स अमेजिंग. मल्टी यूज सनस्क्रीन स्प्रे सच में है, बस इसका नाम बीच बम से कुछ और रखते तो ज्यादा बेटर लगता. बीच बम सुनने में पहले ऐसे लग रहा था कि सनस्क्रीन बीच बम, मतलब समझ रहे हो. अच्छा एनीवेज व्हाटएवर, आई लाइक दिस सनस्क्रीन फ्रॉम पोपोक्सो. पोपोक्सो आपने ये सनस्क्रीन लॉन्च करके बहुत ही अच्छा किया, स्पेशली मेरे जैसे के लिए जो बहुत ही आलसी है लाइक मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन, क्योंकि मैं मेकअप से पहले हमेशा भूल जाती सनस्क्रीन लगानी. ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड इट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इसने मेरे पोर्स को क्लॉग कर दिया है, बिल्कुल भी मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया. आई हैव एक्सट्रीम ऑयली स्किन एंड मेरी ऑयली स्किन पे भी काफी अच्छे से सुटेबल हो गई है. तो आप अगर ड्राई स्किन के हो या फिर एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो तो मत यूज करना, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस, डेफिनेटली गो फॉर दिस. दिस इज सच एन अफोर्डेबल एंड ग्रेट सनस्क्रीन एंड मल्टी यूज सनस्क्रीन. सो चेक दिस आउट. आई होप आपको ये छोटी सी रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपने कोई पोपोक्सो का प्रोडक्ट ट्राई किया है, कौन सा ट्राई किया है. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.